अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक यूनिक स्टाइल सैंडविच बनाने की रेसिपी। आलू और पनीर से बनाऊंगी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। आपने सैंडविच तो बहुत सारी बनाई होगी, पर इस स्टाइल में आपने नहीं बनाई होगी, तो आप वीडियो को इन तक देखें। ये बहुत मज़े का सैंडविच बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये यूनिक स्टाइल सैंडविच कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैंडविच बनाने के लिए मैं सबसे पहले स्टफिंग प्रिपेयर करूँगी, तो चलिए स्टफिंग बनाते हैं। मैंने लिए यहाँ पे एक पैन, इसमें ऐड करूँगी ऑयल, टू टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। ऐड करूँगी 1 पिंच कमिन सीड्स, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टेबल स्पून जितना मैंने प्याज बचा लिया इसमें बाद में ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेट किया हुआ पोटैटो 1/2 कप जितना, ऐड करूँगी 1/2 कप शिमला मिर्च, ऐड करूँगी 1/2 कप फ्रोजन मटर, 1/2 कप टमाटर। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जो इस तरह हैं 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून साल्ट, 1/2 टेबल स्पून ऐड करूँगी सैंडविच मसाला, यानी कि ज़ीरा, अजवाइन, काली मिर्च और रेड सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का मिक्स पाउडर, जो मैंने आपको पहले भी इसकी रेसिपी आपको साथ शेयर करी है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैं ऐड करूँगी 1/2 कप पनीर क्यूब्स में कटा हुआ। पनीर से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत टेस्टी हो जाएगा ये। 1/2 टेबल स्पून ऐड करूँगी ग्रेट किया हुआ जिंजर, आप चाहें तो ग्रेट करके गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, मैं गार्लिक नहीं ऐड कर रही। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून भरकर टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून जितना ऐड कर देंगे इसमें, इससे इसमें क्रंचीपन रहे, इसके लिए मैंने इसे बाद में थोड़ा सा ऐड किया है। देखिए स्टफिंग हमारी प्रिपेयर हो गई है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोरिएंडर लीव्स। ये देखिए हमारी स्टफिंग कितनी लाजवाब सी प्रिपेयर हो गई है। ये देखिए झटपट से हमारी सैंडविच स्टफिंग प्रिपेयर हो गई है, कितनी डिलीशियस दिख रही है। देखिए ऐसे ही खाने का मन कर रहा है इसको तो, और कितनी झटपट से बन जाती है ये। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए हमारी बढ़िया सी स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। मैंने लिए 6 ब्रेड, मैं 2 ब्रेड को पहले रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद में फिर इनकी फिलिंग्स करूँगी। ब्रेड में बटर अप्लाई करके फ्राई इन्हें रोस्ट करेंगे। मैंने दोनों ब्रेड में बटर अप्लाई कर लिया है, अब मैं इन्हें रोस्ट कर लूँगी। ये रोस्ट हो गए हैं, चलिए अपनी स्टफिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी प्लेन ब्रेड, इसमें अप्लाई करूँगी चटनी, सैंडविच चटनी, ग्रीन चटनी है, बहुत टेस्टी लगती है ये। जो मैंने रोस्ट किया था उसमें भी चटनी अप्लाई कर देंगे। अब मैं अपनी बढ़िया सी स्टफिंग को फिल कर दूंगी। अब मैं ये रोस्ट, जो मैंने रोस्ट स्लाइस किया था उसे मैं बीच में रखूंगी। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स रखूंगी। अब मैं इस वाले से इसे कवर कर दूंगी। अब मैं इसके दोनों तरफ बटर अप्लाई कर दूंगी। बटर में बहुत बढ़िया सेकते हैं, आप चाहें तो घी से भी इसे सेक सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। अब मैं दूसरा वाला भी सैंडविच इसी तरह प्रिपेयर कर लूंगी।
ये देखिए दूसरा भी हमारा प्रिपेयर हो गया है, अब हम फ्राई करते हैं। ये देखिए दोनों सैंडविच हमारे रेडी हो गए हैं, मैं इसमें भी बटर अप्लाई कर दूंगी। तो चलिए रोस्ट करने के लिए रेडी हैं, इन्हें हम रोस्ट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मीडियम रखेंगे, अब इसे हम टर्न कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है इसमें। बटर इसमें और अप्लाई कर दें, जिसमें और अच्छे से रोस्ट हो जाए। इसमें बढ़िया सा कलर लाने के लिए बटर आप यूज़ करें, बटर से बहुत बढ़िया कलर आता है। अब मैं इसे टर्न करके देखती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। देखिए मैंने इसे टेक आउट कर लिया, दूसरा वाला भी इसी तरह हम रोस्ट कर लेंगे। ये भी हमारा रोस्ट हो गया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए मैंने दोनों सैंडविच को टोस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस दिख रहे हैं और बाहर से कितने क्रिस्पी हैं। मैं इन्हें कट करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने कलरफुल, कितने यमी दिख रहे हैं, आपको भी ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे ये। और ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बिलीव मी कि ये बहुत मज़े के बने हैं। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, जब आप बनाएंगे तो आप को भी ये बहुत अच्छे लगेंगे, और जब आप बनाइएगा तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इन्हें। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।